नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पिना। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हीमोप्टाइसिस के बारे में। हीमोप्टाइसिस का मतलब है अगर आपको खांसी के साथ खून आता है, ब्लड स्पिटिंग हो रहा है, तो इसे हम हीमोप्टाइसिस कहते हैं। हीमोप्टाइसिस के क्या क्या कारण हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि जो खून आ रहा है वो आपके फेफड़ों से यानी लंग से आ रहा है, या आपके पेट से आ रहा है, या नाक से आपको नकसीर जिसे हम कहते हैं वो हो गया है, तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों, अब आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, लाइव कंसल्टेशन के माध्यम से। तो जब भी मैं लाइव कंसल्टेशंस करती हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप देखेंगे वीडियो के नीचे एक ज्वाइन का बटन है, JOIN ज्वाइन, इसको क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी कि आप किस तरह से लाइव कंसल्टेशन का हिस्सा हो सकते हैं और अपने सवाल लाइव चैटिंग के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, हीमोप्टाइसिस और होम्योपैथी की दवाइयाँ। तो दोस्तों, हीमोप्टाइसिस का क्या मतलब है? हीमोप्टाइसिस का मतलब है कि अगर आपको मुंह में खून आ रहा है, ब्लड स्पिट हो रहा है, आपको खांसी के साथ खून आ रहा है, और ये जो खून है ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक से आ रहा है, या आपके फेफड़ों से आ रहा है, या आपके ब्रोंकस से आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हीमोप्टाइसिस। अब कभी कभी क्या होता है, एपिस्टैक्सिस एक कंडीशन है जिसको हम नकसीर भी कहते हैं, कि आपको नाक में से खून आ रहा हो और ये जो ब्लड है ये आपका इकट्ठा हो जाए और फिर वो आप स्पिट कर दे, तो वो हीमोप्टाइसिस नहीं होगा, वो एपिस्टैक्सिस के कारण है। ऐसे ही हो सकता है पेट की कोई समस्या हो रही हो, पेट में अल्सर बन रहा हो और उसके वजह से आपको खून आ रहा हो, उल्टी के साथ आपको ब्लड आ रहा हो, उसको हम हीमैटिमेसिस कहते हैं। तो अगर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से खून आ रहा है, यानी आपके फेफड़ों से अगर खून आ रहा है, तो ज़्यादातर वो खून कैसा होगा, ब्राइट रेड कलर का होता है, और वही अगर पेट से आता है तो खून का कलर थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो दोस्तों, ये हमारा मोटा मोटा एक डिस्टिंक्शन है। और इसके बाद फर्दर आपके क्या सिम्टम्स हैं, यानी कि अगर आपको खून के साथ साथ खांसी आ रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत है, छाती में दर्द है, डार्टिंग पेन, ये सब दिक्कत हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका प्रॉब्लम है वो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड है। आपके फेफड़ों में प्रॉब्लम हो रही है, आपके ब्रोंकस में प्रॉब्लम हो रही है, ये कुछ कारण हो सकते हैं। तो अब जानते हैं कि क्या क्या रीज़न के वजह से आपको हीमोप्टाइसिस हो सकता है। तो दोस्तों, हीमोप्टाइसिस का पहला कारण हो सकता है ब्रोंकाइटिस, आपको जो ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ब्रोंकाइटिस आपको हो सकता है, ब्रोंकिएक्टेसिस। अब ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसमें क्या होता है, ब्रोंकस जो है वो डायलेट हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई समस्या है, आपको कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ है, तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको टीबी या ट्यूबरक्यूलोसिस की शिकायत है तो ऐसा हो सकता है। अगर ट्यूमर कहीं पे बन रहा है तो उसके कारण से भी ऐसा हो सकता है कि आपको खून के साथ साथ, खांसी के साथ साथ आपको खून आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको एम्बोलस, पल्मोनरी एम्बोलाई की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके वजह से ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, क्वेगुलोपैथीज होते हैं, हीमोफीलिया है, या कोई आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उसके कारण से भी आपको जो ब्लड है वो मुंह में आ सकता है, आपके बॉडी में से हेमरेज हो सकता है, या आपके शरीर में से खून निकल सकता है, जो हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर में भी देखते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको एओर्टिक एन्यूरिज्म अगर हो रहा है तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको किसी प्रकार का पल्मोनरी इन्फेक्शन हो रहा है तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको खून आ सकता है, खांसी के साथ आपको खून आ सकता है। तो दोस्तों, इसको पता कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले जो रूटीन एग्जामिनेशन होता है उससे पता लग सकता है। चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, या आपको अगर टीबी की शिकायत है, पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस है, तो ये हम पता लगा सकते हैं। अगर इससे नहीं क्लियर पता चलता तो फिर हम CT या MRI भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ खून की जाँचें भी कराते हैं, ये पता लगाने के लिए कि आपको किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों, जब एक डायग्नोसिस हो जाता है, हमें पता होता है कि किस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है,
फिर हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो ऐसे कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, दवाइयाँ बताने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगी कि मेडिसिन हम जब भी आपको देते हैं तो वो आपके सिम्टम के अनुसार, आपको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला है, उसी हिसाब से जो हमारा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है वो होता है। अब हम बात करते हैं हीमोप्टाइसिस के कौन सी होम्योपैथी की दवाइयां हैं जो बहुत यूज़फुल है। तो दोस्तों, सबसे हमारी जो पहली मेडिसिन है वो है एकाइलिफा इंडिका। एकाइलिफा इंडिका में हम क्या देखते हैं, पेशेंट को खांसी होती है, खूब ज़ोर से खांसी होती है और खांसते खांसते एकदम से ब्राइट रेड ब्लड निकलता है। तो ये एकाइलिफा इंडिका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ब्रोंकाइटिस की समस्या हो रही है, कोई एलर्जिक कंडीशन है जिसके वजह से बहुत टाइम से खांसी वगैरह चल रही है और अगर खांसी के साथ साथ ब्राइट रेड ब्लड आया तो एकाइलिफा इंडिका मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, जो हमारी अगली दवाई है वो है आर्निका। तो दोस्तों, आर्निका कब देनी है, अगर कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है, कोई हिस्ट्री ऑफ इंजरी है, आपको चोट लगी है, लंग्स में चोट लगी है, फेफड़ों में चोट लगी है और उसके वजह से खून आ रहा है, तो इंजरी को हील करने के लिए जो आर्निका मेडिसिन है वो बहुत अच्छा आपको मदद कर सकती है। जैसा अभी आपने देखा कि हीमोप्टाइसिस में आर्निका भी मदद करेगी, एकाइलिफा भी मदद करेगी, पर दोनों का जो कारण है वो डिफरेंट है। कौन से कंडीशन में हमें कौन सी दवा देनी है वो डिफरेंट है और वो निर्भर करेगा कि आपको किस वजह से हीमोप्टाइसिस हो रहा है या किस वजह से आपको ब्लड स्पिटिंग हो रही है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैक्टस। अब अगर हार्ट रिलेटेड कोई समस्या है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ है और हार्ट की समस्या के वजह से आपको हीमोप्टाइसिस हो रहा है और छाती में एक टाइट का फीलिंग होता है, ऐसा लगता है कि छाती को किसी ने एकदम जकड़ रखा है, पेशेंट सांस ही नहीं ले पा रहा है, एकदम डिस्निया हो गया है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो मेडिसिन आपको मदद करेगी वो है कैक्टस। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है हेमोमिलिस। अब हेमोमिलिस में हम देखते हैं कि पैसिव हेमरेज हो रहा है। पैसिव हेमरेज का क्या मतलब है कि पेशेंट को कोई भी बहुत ज़ोर से खांसी या बहुत एक्सर्ट करना पड़े ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, नॉर्मल खांसी हुई और ब्लड निकल आया। तो पैसिव हेमरेज का मतलब है कि आपको बहुत ही ईजिली ब्लड निकल रहा है, बहुत सारा निकल रहा है और हेमोमिलिस में हम देखते हैं कि जो ब्लड का कैरेक्टर है वो कैसा होगा, वो डार्क होगा, वो ब्राइट नहीं होगा, वो डार्क होगा, थोड़ा सा क्लॉटेड होगा। ऐसी अगर प्रॉब्लम है तो हेमोमिलिस मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, हेमोमिलिस हमारी होम्योपैथी की एक हीमोस्टैटिक है। कहीं पे भी अगर हेमरेज हो रहा है, बॉडी में से ब्लड लॉस हो रहा है तो हेमोमिलिस इसको करेक्ट करने में आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है इपिकैक। इपिकैक में हम क्या देखते हैं कि एक कांस्टेंट नौजिया बना होता है, एक कांस्टेंट उपकाई आना या उल्टी जैसा मन करना, ऐसी एक कांस्टेंट फीलिंग हमेशा बनी होती है। तो पेशेंट को हमेशा लगता है कि उल्टी होगी, उल्टी होगी, तो ये जो फीलिंग है ये हमेशा रहती है, सुबह दोपहर शाम पूरा टाइम ये फीलिंग बनी रहती है। ऐसे कंडीशन में आपको इपिकैक मेडिसिन मदद कर सकती है। इपिकैक में पेशेंट ऐसा भी कहता है कि छाती में ऐसा कुछ बबलिंग सेंसेशन होता है। तो दोस्तों, इपिकैक में पेशेंट को मुंह में हमेशा एक ब्लड का टेस्ट आता है, एक ब्लड टाइप टेस्ट मुंह में आता है, छाती में एक भारीपन सा, एक प्रेशर सा फील होता है और एक बबलिंग सेंसेशन भी फील हो सकता है। तो ये हमारे सिम्टम्स हैं इपिकैक के। तो दोस्तों, दवाइयाँ और भी हैं, वो कम्प्लीटली निर्भर करता है कि किस वजह से है, क्यों आपको प्रॉब्लम है और उसी हिसाब से आपको मेडिसिंस देनी है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस कभी भी होता है तो हमें सबसे पहले पता लगाना है ये हीमोप्टाइसिस ट्रू हीमोप्टाइसिस है या सूडो हीमोप्टाइसिस है, यानी हीमोप्टाइसिस आपको नाक में से खून, आपका एपिस्टैक्सिस की प्रॉब्लम हुआ, नक्सीर के वजह से आपको खून आ रहा है या पेट में से हिमैटिमेसिस के वजह से आ रहा है, तो इस बात को हमें पता लगाना है और अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट देना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हीमोप्टाइसिस और होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं और लाइव कंसल्टेशन में, लाइव चैटिंग के माध्यम से अपने सवालों का जवाब तुरंत पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। आप देखेंगे वीडियो के नीचे एक JOIN ज्वाइन का बटन है, उसे क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी।
तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं और आपको अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप मेरे वेबसाइट drarpana.com को भी विजिट कर सकते हैं फॉर ऑल द फर्दर डिटेल्स। दोस्तों अगर आप लोग डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं, ऐप के माध्यम से आप फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।